पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी पितृत्व विवाद मामले में एक और मोड़ आ गया है। अब एनडी तिवारी रोहित शेखर के साथ चल रहे इस मामले का निपटारा अदालत के बाहर करना चाहते हैं। मंगलवार को तिवारी के वकीलों ने समझौते के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में तिवारी का कहना है कि वो इस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष को बातचीत के लिए कहा जाए। 2008 में रोहित शेखर नाम के एक शख्स ने दावा किया था कि एनडी तिवारी उनके जैविक पिता हैं। 5 साल तक कानूनी लड़ाई चलने के बाद 27 जुलाई 2013 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया था कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के जैविक पिता हैं, लेकिन तिवारी ने इस फैसले को साजिश करार दिया और मामले की सुनवाई दिल्ली से अन्य जगह कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन 18 सितंबर 2013 को कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इतना ही नहीं, आदेशों की अवमानना करने पर उन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।